इसी को लेकर आज रिटर्न के लेकर हम लोग यहाँ पे छात्र आए हुए हैं और फिर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट से जाकर मिलेंगे, एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद क्या हम लोग क्या आश्वासन मिलता है और नहीं रिटर्न करने पर हम लोग एस आर भारत। अभी हम पहुंच चुके हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पास और यहाँ पर छात्र देख सकते हैं कि आंदोलन कर रहे हैं। इनका इल्ज़ाम है कि हम जब APG के छात्र हैं और लेकिन यूनिवर्सिटी के द्वारा बोला जा रहा है कि नहीं फिर दोबारा आपको फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेना होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। चलिए इसी के तमाम मुद्दे पर हम यहाँ पर छात्र से बात करेंगे। आखिर माजरा क्या है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन कुमार हुआ, हम लोग PG के स्टूडेंट सेशन 2019-21 के हैं। हम लोग के कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस में पहले ईयरली माने होता था, चार सेमेस्टर था तो 1 और 2 को मिलाकर एक साथ एडमिशन ले लिया गया, 3 और 4 को मिलाकर एक साथ एडमिशन कर लिया। प्रूफ के तौर पर 18-20 का सेशन का एक बैच पास आउट हुए, उस समय मात्र 2 बार एडमिशन किए लिए हैं, सेमेस्टर 1 और 3 में। जब सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिया गया तो उसमें 1 और 2 का पैसा दोनों का इंक्लूड ले लिया गया। फिर उसके बाद 1 के रिजल्ट आया, 2 में गया, 2 में एडमिशन नहीं हुआ। फिर 3 में गया था, 3 में एडमिशन हुआ था, 3 और 4 एक साथ ले लिया एडमिशन। हम लोग 3 में पास हो गए, फिर 4 में गए। अभी 4 में गए तो नया नियम लागू किया गया कि मतलब 4 में सेमेस्टर में एडमिशन लेना है। हालांकि हम लोग 4 का पेमेंट पहले दे चुके हैं। PG का टोटल ओवरऑल फी 6,000 के अप्रॉक्स है। सेमेस्टर वाइज अगर एडमिशन लिया जाएगा तो 1400 के समथिंग होगा, तो 1456,000 के अप्रॉक्स हुआ। हम लोग 2 बार एडमिशन लिए हैं, सेमेस्टर 1 और 3 में। 1 में हम लोग पेमेंट किए 2560 रुपया, फिर सेमेस्टर 3 में किए 3560, यानी 6,000 हम लोग से ले लिया गया है, 6,000 ले लिया गया। उसके बाद तनाशाही रुपया, मतलब बीच में प्रिंसिपल चेंज हुए, जो पुराना प्रिंसिपल थे जो 1 और 2 को मिलाकर एक साथ लिए, 3 और 4 को मिलाकर एक साथ। अब जो नया प्रिंसिपल आया ऊपर है कि सेमेस्टर वाइज कीजिए, तो सेमेस्टर वाइज कीजिएगा तो नया सेशन वाला क्यों कीजिएगा? हम लोग तो पुराना सेशन है 19 के ऑलरेडी, हम लोग का 2 साल का जो कोर्स है वो 4 साल हो गया, फिर भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। हम लोग को जब बात 2 साल के कोर्स है 4 साल हो गया, उसके बाद में फिर फोर्थ सेमेस्टर में गए तो आप लोग को पैसा क्यों गाय किया जा रहा है? हाँ, पैसा मांगा जाए, हालांकि हम लोग पैसा पेमेंट कर दिए हैं, तो हम लोग फिर बेरोजगारी के दौर में कहाँ से कोई स्टूडेंट पेमेंट करेगा। फिर उससे ज़्यादा और जास्ती हो रहा है कि फिर सेमेस्टर 2 का भी पैसा मांगा जा रहा है। हम लोग जब सेमेस्टर 2 में थे उस टाइम ना बोलना चाहिए था कि एडमिशन आपका फोर्थ सेमेस्टर में जाने वाले हैं ना, फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग चल गए हैं, चल गए हैं। हाँ, 2 सेमेस्टर का पैसा मांगा जा रहा है, सेमेस्टर का भी पैसा इंक्लूड किया जा रहा है, फिर फोर खब है तो कहाँ से कोई, कहाँ से नियम है? क्या माजरा बताइए? हम लोग के माजरा सर, हम लोग 20-22 का सेशन है, पहली तो लेट सेशन MSc का 20-22 का सेशन है और हम लोग के सेकेंड सेमेस्टर में 2560 रुपया लिया गया था और फिर इस बार थर्ड सेमेस्टर में जब एडमिशन की बारी आई तो हम लोगों से 2560 के जगह 3060 रुपया लिया गया, ऑनलाइन से 3060 रुपया वसूला जा रहा, मनमानी किस चीज़ का? मनमानी। उसके बाद हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से संपर्क किया, कुछ लड़के ने कल परसों, तो फिर कल से साइट ठीक किया गया, उसके बाद सबसे 2500 लिया जा रहा, तो ऐसा क्या दुनिया? आपने 3000 दे दिया तो 500 एक्स्ट्रा दिया, क्या वो पैसा रिटर्न करेगा? इसी को लेकर आज रिटर्न के लेकर हम लोग यहाँ पे छात्र आए हुए हैं और फिर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट से जाकर मिलेंगे, एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद क्या हम लोग क्या आश्वासन मिलता है और नहीं रिटर्न करने पर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे पूरे यूनिवर्सिटी में। देख लीजिए, अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सामने है और देखिए यहाँ पर 3000 रुपया लिखा हुआ है जबकि जेनुअन फीस 2500 रुपया होना चाहिए। अगर छात्र मुद्दा नहीं उठाते तो यह मामला दब के रह जाता और 500 रुपया पर स्टूडेंट को एक्स्ट्रा पेड किए हैं, वो आखिर पैसा किसके पॉकेट में जा रहा है? किसी से छात्र से, दोनों सेम क्लास के दोस्त हैं, दोनों एक ही सेमेस्टर के स्टूडेंट से आते हैं, दोनों एक किसी से 2560 रुपया, किसी से 3060, किसी से 3500 रुपया, जिस तरह से हुआ उस तरह से वसूली का काम करते हैं। सेम चीज है, सेम क्लास है, सेम कैटेगरी है दोनों से और दोनों डिपार्टमेंट। 2560 रुपया इनसे लिया गया और हमसे 2560 रुपया, हमसे 3060 रुपया लिया गया, ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं रुपया जो है किसके पॉकेट में जा रहा है, ये सवाल बनता है और जांच होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सर, जांच। 500 रुपया किसके पॉकेट में गया? 500 रुपया देखिए वो बात तो है, 500 नहीं, फिर जितना मनमानी होता है, जितना जंप नोटिस आया, जब मन किया जब निकल जाता, किसी से 3000 थे, किसी से 3560, किसी से सेमेस्टर का पैसा दे दिया गया फिर भी दोबारा पैसा लिया जाता है, तो ये मनमानी नहीं चलेगा। इसके बाद एक और बात,
जो सेमेस्टर फोर का जो अभी एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है उसमें दो गो इलेक्टिव पेपर है, इलेक्टिव पेपर वन में चार गो आता है, इलेक्टिव पेपर टू में चार गो आता है। तो यहाँ जो एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा क्या 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 कर दिया गया कि इलेक्टिव पेपर जो फर्जी सेट है और गलेज थ्योरी है, तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दो चीज़ पढ़ाया गया, फर्जी सेट और गलेज थ्योरी। फर्जी सेट इलेक्टिव पेपर वन में रहना चाहिए, गलेज थ्योरी इलेक्टिव पेपर टू में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा क्या कर दिया गया कि दोनों को एक ही पेपर में कर दिया गया। हम लोग को जबरदस्ती बोला जा रहा है कि एडवांस टोपोलॉजी लीजिए, हम लोग हालांकि एडवांस टोपोलॉजी का क्लास करवे नहीं किए लिए, हम लोग गलेज थ्योरी का क्लास हुआ है, इंटरनल एग्जाम भी हो गया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इंटरनल एग्जाम भी हो गया तो गलेज थ्योरी फर्जी सेट का इंटरनल एग्जाम का मार्क्स भेजेंगे, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि एडवांस टोपोलॉजी लीजिए, ठीक है। तो एडवांस टोपोलॉजी लेंगे तो वहाँ से तो हम लोग को फेल कर दिया जाएगा। आज एग्जाम भरने का लास्ट डे है, तीन चार दिन से स्टूडेंट आ रहा है, लेकिन सब स्टूडेंट को भ्रम में रख करके आज सुधार देंगे कल सुधार देंगे, एडवांस टोपोलॉजी लॉक कर दिया गया, हटा भी नहीं रहे। आए तो स्टूडेंट आया, बात किया तो बोल रहे हैं कि कल कर देंगे, परसों कर देंगे, हुआ भी नहीं। आज इसी मुद्दे को मेन लेकर आए हैं हम लोग की मैंने जल्द से जल्द सुधार होना, तो आंदोलन हम लोग और आगे। फी के बारे में बोलना चाहूँगा सर, हम लोग का सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड का फी एक बार लिया जाता है, लेकिन इस बार एक नोटिस निकाला गया कि सेमेस्टर फोर में भी एडमिशन होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। और हम लोग से कॉलेज ले रही है 3500 रुपये का फी ले रही है, जो कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे पिछला बैच जो था 18-20 का जांच बैठना चाहिए कि नहीं बताइए। होना चाहिए, होना चाहिए, क्या लग रहा है, होना चाहिए ना? हाँ होना चाहिए, ये एक यूनिवर्सिटी की बात रही है। अगर ऐसा ही मामला दब के कहीं रह जाता है जब छात्र उजागर नहीं करते हैं। फिलहाल खबर में इतना ही, खबर क्या नाम है आपका? चलिए फिलहाल खबर में इतना ही, अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।